सभी बज चुके हैं सुबह के 6 और हम लोग उठ के तैयार हो चुके हैं, क्योंकि सुबह सुबह अगर हम जाते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फियर है वो देखने का हमें मौका मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं। गाइज, हम लोग निकल पड़े हैं बड़वा डूंगर के लिए और अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। सुबह के 7 बजने वाले हैं। गाइस, सूरत से बनवा हिल स्टेशन की जो दूरी है वो है 66 किलोमीटर और ये सूरत का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो अभी हम आ पहुँचे हैं मेन गेट जो है वो बनवा हिल स्टेशन का, ये है मेन गेट। आइए उसके अंदर चलते हैं। गाइस, आप देख पा रहे हो यहाँ से आगे जो दिख रहा है वो है बनवा डूंगर। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। मैं आपको यहाँ से ये नज़ारा दिखा देता हूँ, वहाँ पे जाके देखते हैं किस तरह का पूरा जो माहौल है वो। और ये है बनवा हिल का टूरिस्ट पॉइंट। यहाँ पर सुबह हम जल्दी आ गए हैं तो अभी बंद है, थोड़ी देर में ये खुल जाएगा, तब तक हम चलते हैं ऊपर। टूरिस्ट पॉइंट से लेफ्ट लेते ही थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहाँ पर आता है ये एक पॉइंट जहाँ से शुरू होती है बनवा हिल की सीढ़ियाँ। तो आइए ऊपर चल के देखते हैं। हम लोग आ पहुँचे हैं बनवा डूंगर और यहाँ से ऊपर आप देख सकते हो मेरे पीछे जो सीढ़ियाँ है यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाती है और ऊपर जो है वो बहुत ही अच्छा नज़ारा होगा ऐसा लग रहा है। तो हम लोग आ पहुँचे हैं और यहाँ से हम लोग करेंगे शुरुआत ऊपर चढ़ने की। मैं आपको इसका जो पूरा जो व्यू है, पूरा जो सीनारियो है वो अभी दिखाऊँगा, तो बने रहे मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं यहाँ से बनवा डूंगर की चढ़ाई। गाइस, ये जो मैडम है वो थक चुकी है, मैं तो नहीं थका हूँ। गाइस, हम लोग यहाँ पर चढ़ चुके हैं, आधी मंजिल शायद हमने पार कर ली है और आधी मंजिल आप देख सकते हो ये जो हमने पार कर ली है। और मेरे पीछे के साइड आप देखेंगे ये जो है वो अभी चढ़ान बाकी है। जो भी आए हैं वो सब थक चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हैं और सुबह सुबह चढ़े हैं तो काफ़ी स्फूर्ति यहाँ पर सब में दिखाई दे रही है। पर है हमारे साथ हैतल, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है। हमारी एक्सरसाइज हो रही है, अच्छा लगा, इधर बहुत मज़ा आ रही है और इधर जो है ऐसा चढ़ना है, लेकिन मैं ऊपर गया था तब स्लिप खा गया था और उधर नजारा भी अच्छा है, बहुत मजा। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, और वहाँ मस्त नजारा दिख रहा है और हम मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। तेजी देखिए इन लोगों की कैसे चढ़ रहे हैं सब लोग। तो ये देखिए बहुत ही तेज जा रहे हैं, मुझे भी पीछे छोड़ रहे हैं, काफी तेज यहाँ से ये लोग चढ़ रहे हैं। और थैली में क्या लाए हो साथ में? नाश्ता पानी है दोस्तों। तो जैसे ही थक जाएंगे ऊपर जाके नाश्ता मिलने वाला है।
वाले है। पतंग भी साथ में ले लिया है। पतंग ओ ये पतंग भी वहाँ पे जाके ये पतंग जाके उड़ाने वाले देख सकते हैं। इनके हाथ में पतंग और डोरी है। तो मैं आपको यहाँ पर पीछे का व्यू दिखाता हूँ। गाइज आप अगर ऊपर चढ़ रहे हो और बीच में ये जो मंदिर आता है अंबा माता का, उसकी विजिट जरूर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा मंदिर है और यहाँ पर बैठ के आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, काफ़ी शांति महसूस होगी। सुबह सुबह यहाँ पर अच्छी सी ठंड है और बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ पर है। मेरे पीछे ये है मंदिर जिसकी अभी अभी हमने विजिट ली है। गाइज वहाँ पर हमने हमारी गाड़ी जो वो पार्क की है और वहाँ से लेके सीधे इस तरह से सीढ़ियाँ बनी है और ये जो डूंगर है उसके पीछे की साइड से होके ये जो सीढ़ियाँ है वो वहाँ से होके ऐसे ऐसे ऊपर आती है। इस तरह से ये जो है वो सीढ़ियाँ यहाँ तक आती है ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मंदिर है वो यहाँ पर है। तो गाइज हमारा फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो आ चुका है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जो मंदिर है बानबा डूंगर का, ये मंदिर यहाँ पे आ चुका है। हम अभी जो ये जो बानबा डूंगर है उसकी हाइट पे टॉप पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी पवन आ रहा है चारों ओर, काफ़ी तेज़ी से पवन आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत एटमोसफेयर यहाँ पर लग रहा है। काफ़ी ठंडी पवन यहाँ पर दिख रही है और हमने जो स्वेटर पहना है वहाँ पे ही पवन को चुके जाती है, फिर भी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ी देर में यहाँ से मैं ड्रोन से शूटिंग भी लूँगा, तो ड्रोन का जो व्यू है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल ये जो नज़ारा है। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो दोस्तों सीधे खाई है नीचे और यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। गाइस यहाँ पर हम थोड़ा सा नाश्ता लेके आए हैं। आपको मैं बता दूँ गाइस कि ऐसी कोई भी चीज़ आप खाने पीने की यहाँ पर लेके आते हो या फिर प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी कचरा हो तो प्लीज़ यहाँ पर मत फेंकिएगा, अपने साथ लेके जाइएगा और घर पे जाके या फिर कोई भी डस्टबिन हो वहाँ पर जाके डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, उनका जतन करना है। Oh, oh, oh.
गाइज यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक गार्डन बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने और यहाँ पर काफी अच्छी बच्चों के लिए खेलने की सुविधा है जो पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हो, मैं उसका आपको वीडियो दिखाऊंगा। और यहाँ पर आके आप अगर दूर से आए हो तो यहाँ पर आकर रिलैक्स हो सकते हो, काफी अच्छी जगह है ये, काफी ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर आपको पीस ऑफ शांति मिलेगी, यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो हम बैठे हैं तो अच्छा सा ठंडा सा पवन आ रहा है और काफी खूबसूरत जगह है, एक बार आप यहाँ की विजिट जरूर लीजिएगा। ये था बनबा डूंगर, यहाँ पे आके हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया और ये काफी सारा अच्छा प्लेस है, सूरत से काफी नजदीक है तो आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हो, अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला, हम सुबह बहुत जल्दी आ गए थे तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, नीचे भी काफ़ी हवा अभी बह रही है, ऊपर भी काफ़ी हवा थी। और अभी यहाँ पर इस वीडियो का एंड करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।